हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाते हैं चिली पनीर, जो कि बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी होती है खाने में। देखिए दोस्तों, यह बहुत ही सिंपल और जल्दी बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। तो आइए आज हम बनाते हैं चिली पनीर कैसे बनती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो यहाँ हमने 200 ग्राम पनीर लिया है, एक शिमला मिर्च बारीक काट लिए है हमने छोटे छोटे पीसों में, एक प्याज है और लहसुन के 5 से 6 कलियाँ बारीक काट लिया है, अदरक है, मिर्ची है 2-3 और प्याज एक छोटा मीडियम साइज़ का उनको हम बारीक काट लिया है। तो देखिए यहाँ हमने पनीर जो छोटे छोटे क्यूब में काटे थे उसे हमने एक बाउल में डालेंगे। उसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच स्वाद अनुसार नमक, और इसमें हम डालेंगे 2 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 बड़ी चम्मच हम डालेंगे मैदा। अब इसे हम डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कि इस तरह से हमें स्पून की सहायता से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम 1 बड़ी चम्मच पानी डालेंगे ताकि जो हमारे मैदे कॉर्नफ्लोर मसाले हैं पनीर में अच्छे से मिक्स और कोट हो जाए। अब देखिए ये कोट हो गया है। अब हम इस पैन लेंगे, उसमें 4 से 5 चम्मच ऑयल गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे पनीर, फ्राई करेंगे पनीर डाल के। देखिए हमने सारे पनीर डाल चुके हैं, अब इसे हम फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम में। तो देखिए इस तरह से हमको फ्राई कर लेना है। तो एक साइड से हम पका लिए हैं, हमको दूसरे पलट लेना, दूसरी साइड पकाना है। तो देखिए हमारी पनीर जो अच्छे से दोनों साइड से पक चुकी है, अब इसे हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। तो देखिए इस तरह से हमको पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ही कलर चेंज ब्राउन होने तक पका लेना है। अब देखिए इस तरह पका लेना। अब हम बनाने की तैयारी करते हैं। तो देखिए उसी पैन में हमने ऑयल लिया है 1 से 2 चम्मच। अब इसमें हम बारीक चॉप किया हुआ हमने डालेंगे लहसुन, अदरक और मिर्ची, ये सब डालने के बाद इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने जो बारीक काट के रखा हुआ था प्याज उसे हम इस समय डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 1 मिनट तक पका लेंगे ताकि जो हमारा प्याज है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा पनीर चिली को ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ बारीक प्याज काट के डाला। अब हम इसमें डालेंगे बड़े बड़े पीसेस में जो हमने काट के रखा था प्याज और शिमला मिर्च, इसे हम डाल के अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे हमें बस थोड़ा सा ही पका लेना है। तो देखिए इस तरह से हमको भून लेना है। अब इसमें डालेंगे सॉस। तो यहाँ हमने 1 बड़ी चम्मच डाला है टमाटो सॉस, 1 बड़ी चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 बड़ी चम्मच रेड चिली सॉस और 1 बड़ी चम्मच डाले हैं हमने सोया सॉस। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे डालने के बाद हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इसे पूरा मसाले डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, पकाएंगे। तो इस तरह से मिला लेना है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा इसे और कलर लाने के लिए इसमें डालेंगे फूड कलर। तो 1 पिंच हमने कलर लिया है फूड कलर, इसे हम डाल लेंगे ताकि जो हमारे चिली का कलर हो थोड़ा अच्छा लगे। और तो अब इसमें थोड़ा ग्रेवी बनाने के लिए इसे हम 1 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच पानी। उसे डालने के बाद अच्छे से मिला के इसमें हम डाल लेंगे चिली पनीर में ताकि थोड़ा ग्रेवी हो जाए। इसे डालने से पनीर चिल्ली में ग्रेवी लाने के लिए इसे डाला जाता है। तो देखिए इसे हमने डाल लिया है। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच डालेंगे विनेगर। अब इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच पानी, डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे, मिलाने से मिला लेंगे। फिर अब देखिए इस तरह से मिलाने के बाद देखिए हमारे कितनी अच्छी ग्रेवी हो चुकी है, बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे, जो हमने ब्राउन करके फ्राई करके रखा हुआ था पनीर इसी समय डाल के इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमको 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लेना है, पका लेना है। देखिए हमको 1 से 2 मिनट तक पका लेना है। तो हमारी देखिए पनीर चिल्ली बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए कितनी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है, अब इसे हम सर्व करते हैं। आइए दोस्तों, कैसी लगी है हमारी रेसिपी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।